सिंचाई विभाग का ये किला मोहम्मदी ड्रेन है। किला मोहम्मदी ड्रेन नाला की सफाई का सच आज दिखाने के लिए हम खड़े हैं यहाँ माती ग्राम सभा क्षेत्र में। माती ग्राम सभा में ये परत दर परत उखाड़ती तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सिंचाई विभाग में किस तरह से सफाई कराई जाती है। ये किला मोहम्मदी ड्रेन है जहाँ सफाई के नाम पर एक बड़ा बजट अलाट हुआ और इसकी सफाई करा दी गई। सफाई इस तरह से कराई गई कि रोड पर या बाहर तो दिखती है लेकिन ग्रामीण अंचलों में जहां किसानों के खेत हैं वहां पर बिल्कुल नहीं कराई गई। हमारी कराई 8 बीघे की है, 3 साल से लगातार पानी भर जाता है, पुल के पास केवल सफाई होती है, उसके अलावा बीच बीच में लोग छोड़ देते हैं, ठेकेदार बस पैसा पास करा के अपना चले जाते हैं। किसानों को नुकसान हो रहा है तो होने दो, उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे हिसाब से अभी बात हुई तो कहना अभी तो सफाई चल रही है, धीरे धीरे हो जाएगा, पानी बढ़ जाने के बाद में कौन सा सफाई कराने आएगा इसका कोई वही नहीं, और ये फिर खेत डूबेंगे और फसल फिर बर्बाद हो जाए। तो कोई राहुल पुल से सब साफ हो जाए मगर कुएं पर बीच में रख दो सब भर जा जाती फसल वो सब बर्बाद हो जाए। जब पानी ही नहीं निकलती है सब जहाँ पानी रहा तहाँ सब फसल बेकार, पैसा बर्बाद, 5 खाद भाई बहुत फसलें डूब जाती है, न काटिंग नहीं मिल जाती है और समझ लो ना फसलें हो पाओगे, नाला जो है ऐसे हमसे भर जाते हैं। क्या सफाई यहाँ नहीं होती? नहीं होती सफाई, फिर के आस पास दिखा देते बस कि सफाई के नाम पर केवल सांकेतिक सफाई कर दी जाती है और उसके बाद पैसा निकाल के अधिकारी और ठेकेदार चंपत हो जाते हैं, फिर किसान ठगा का ठगा रह जाता है और उसकी फसलें चौपट होती हैं। आज हम दिखा रहे हैं नहर सफाई का सच। राजनीति न्यूज पर आप देख रहे हैं कि जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद ये कहा गया था कि पारदर्शी व्यवस्था के साथ नहरों की सफाई की जाएगी, लेकिन नहर की सफाई करने वाले ठेकेदारों और करवाने वाले अधिकारियों ने कुछ ऐसे रास्ते निकाल लिए जिसकी वजह से काम भी दिख रहा है और सफाई भी नहीं हो रही है। करने वाले ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ के मुहाने हैं, जहाँ से रास्ते हैं वहाँ तो साफ कर देते हैं लेकिन बीच में बिना साफ़ किए हुए छोड़ देते हैं, जहाँ पर खरपतवार और सब पूरा जमा हुआ है, पूरा नाला जाम है। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जगह है किला मोहम्मदी ड्रेन जो काफ़ी लंबी है। किला मोहम्मदी ड्रेन की लंबाई यहाँ किला से शुरू होकर के सई नदी पर गिरी है। इसका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका सफाई का ठेका सिंचाई विभाग की तरफ से उठता है और इसकी सफाई के नाम पर ठीक बरसात के पहले कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया गया और बीच में काफ़ी छोड़ दिया गया। यहाँ किसानों की शिकायत पर हम लोग पहुँचे हैं जिनका कहना है कि जहाँ पर पुलिया है, जहाँ से रोड निकली है, वहाँ तो दिखाने के लिए सफाई करके फोटोग्राफी कर ली गई है लेकिन रास्ते में जहाँ किसानों के खेत पड़ते हैं वहाँ मलबा जलकुंभी अभी तक जमा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर पानी रुक जाता है और पानी ओवर फ्लो करके उन लोगों के फसल को चौपट कर देता है, जिसकी शिकायत इन लोगों ने विभाग की अधिकारियों से की। वह भी अब करा देंगे तब करा देंगे, नहीं करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत पर आज हम ग्रामीणों से बात करेंगे। ये माती क्षेत्र है जो सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ पर किसानों से बात करेंगे कि यहाँ पर जाम लगने से क्या नुकसान होता है उनका। सिंचाई विभाग का ये किला मोहम्मदी ड्रेन है। किला मोहम्मदी ड्रेन नाला की सफाई का सच आज दिखाने के लिए हम खड़े हैं यहाँ माती ग्राम सभा क्षेत्र में। माती ग्राम सभा में ये परत दर परत उखाड़ती तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सिंचाई विभाग में किस तरह से सफाई कराई जाती है। ये किला मोहम्मदी ड्रेन है जहाँ सफाई के नाम पर एक बड़ा बजट अलाट हुआ और इसकी सफाई करा दी गई। सफाई इस तरह से कराई गई कि रोड पर या बाहर तो दिखती है लेकिन ग्रामीण अंचलों में जहां किसानों के खेत हैं वहां पर बिल्कुल नहीं कराई गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप रूबरू हैं किला मोहम्मदी ड्रेन और इस नाले से, किस तरह से इस नाले के अंदर अभी मरे जानवर पड़े हुए हैं और कितना कचरा जमा हुआ है जिसकी वजह से इसमें जरा सी बरसात होने पर बाढ़ आ जाएगी और अगल बगल की फसल चौपट हो जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ के हैं जो हर बार इस नाले की बाढ़ की वजह से तबाह हो जाते हैं। जहाँ एक ओर मुख्यमंत्री
और सिंचाई मंत्री पारदर्शी व्यवस्था का दावा करते हैं, वहाँ किस तरह से ये उस व्यवस्था सुशासन का पलीता लगा रहे हैं यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार। देखने वाली बात यह है कि यहाँ के किसान लगातार जेई से एई से संपर्क करने का प्रयास करते हैं कि जिस नाले की आप सफाई करवा रहे हैं वो यहाँ पर तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। यहाँ देखिए कितना जमा हुआ है और जरा सी बरसात होने पर ही यहाँ पर उफान आ गया है और अगल बगल के खेतों में पानी भर गया है। जब अभी से ये हाल है तो जब पानी बरस जाएगा तो इनकी बुआई नहीं हो पाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज ग्रामीण हमारे बीच में हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से सफाई हो रही है और सफाई न होने की वजह से क्या उनको नुकसान होता है। बात करेंगे हम यहाँ माती ग्राम सभा क्षेत्र के किसानों से। आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम अजय अवस्थी है, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि अजय अवस्थी माती। क्या इससे नुकसान होता है ये नाले के जाम हो जाने? ये हमारी तराई 8 बीघे की हैं, 3 साल से लगातार पानी भर जाता है। पुल के पास केवल सफाई होती है, उसके अलावा बीच बीच में लोग छोड़ देते हैं, ठेकेदार बस पैसा पास करा के अपना चले जाते हैं। किसानों को नुकसान हो रहा तो होने दो, उनसे कोई मतलब नहीं। जय साहब से अभी बात हुई तो कहना अभी तो सफाई चल रही है, धीरे धीरे हो जाएगा, और पानी बढ़ जाने के बाद में कौन सफाई कराने आएगा, इसका कोई वही नहीं, और ये फिर खेत डूबेंगे और फसल फिर बर्बाद होगी। जैसा कि आप बता रहे थे कि यह फसल इसी तरह से डूबती है और हर बार कई बार ऐसा हुआ कि सफाई के नाम पर केवल सांकेतिक सफाई कर दी जाती है और उसके बाद पैसा निकाल के अधिकारी और ठेकेदार चंपत हो जाते हैं, फिर किसान ठगा का ठगा रह जाता है और उसकी फसलें चौपट होती हैं। बात करेंगे हम यहाँ के और ग्रामीणों से भी जो यहाँ पर आए हैं अपना दुखड़ा बताने के लिए। हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग किसान चौधरी जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरह से ये रूबरू कराएंगे यहाँ की हकीकत से कि किस तरह से फसलें यहाँ चौपट होती हैं और नाले की सफाई सांकेतिक रूप से होती है जिसके कारण ये फसल बो भी नहीं पाते हैं, और अगर बो दिए तो जैसे ही बरसात होती है तो पूरे नाला का पानी उन्हीं फसल पर भर जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। बात करेंगे हम यहाँ के बुजुर्ग किसान चौधरी जी से। चौधरी जी बताएं। अरे साहब देखो राहुल पुल के सब साफ हो जाए मगर यहाँ पर बीच में रख दो सब भर जाए, जितनी फसल हो सब बर्बाद हो जाए, और जब पानी ही ना निकली तो यहाँ सब जहाँ पानी चढ़ तहाँ सब फसल बेकार चली जाए, सब पैसा बर्बाद, पांच खाद हर चीज़। यहाँ कोई नहीं आवत देखा, किसी से शिकायत किया कभी? अरे साहब अब यहाँ जब मालूम हुआ तो करेगी कि इसका, जब किसी को मालूम नहीं तो कैसा कह दे। ये बेचारे भोले भाले किसान जो यहाँ की ज़मीन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, वह नहर विभाग की लापरवाही के चलते इनकी रोजी रोटी छिन जाती है और ये अपनी किसानी नहीं कर पाते हैं। इनका कहना है कि जहाँ जहाँ दूर साफ क्षेत्र है वहाँ तो सफाई दिखा देते हैं, लेकिन जहाँ हकीकत में सफाई करनी चाहिए, जहाँ नाला जाम होने से फसलें चौपट होती हैं, वहाँ सफाई नहीं की जाती है, जिससे हर बार बीज और जुताई का नुकसान होता है और फसल भी नहीं मिल पाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हनुमान। अच्छा, ये सफाई किस तरह से हो रही है, इसके विषय में कुछ बताएं? ये सफाई ये जगह जगह होती है, जहाँ खेती होती है वहाँ पर होती हो नहीं पाती है। यहाँ पर यहाँ ये देखिए सब जानवर फंस फंस के मर जाते हैं और सफाई हो नहीं पाती है, खेती सब यूँ ही पड़ी रहती है। ये जाम होता तो क्या नुकसान होता? ये जाम होता फसल नुकसान होती है, जाम होता पानी गंदा पानी भर जाता उसमें, गेहूँ में भर जाता, वो काटे नहीं पाते, और धानों भी फसल नहीं काट पाते हैं, पानी भर जाता डूब जाता है। जैसा कहा हनुमान जी बता रहे थे कि इन नाले के भर जाने की वजह से यहाँ पर फसल चौपट हो जाती है, उफान आ जाता है इसमें, और फसल जो बोई है वो भी नुकसान हो जाती है, और कभी कभी तो बो ही नहीं पाते हैं, केवल सांकेतिक सफाई कराई जाती है बस। बाकी जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर किसान लोगों को ज़रूरत है कि साफ रहे नाला निकल जाए, वहाँ पर नहीं सफाई हो पाती। आप भी बताएंगे?
थैंक यू। हाँ भैया खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, कैलाश जी आप बताएंगे कि इनके जाम हो जाने से ये नाला जब साफ नहीं होता तो क्या नुकसान होता है? हमारी बहुत फसलें यहाँ डूब जाती है, ना काटिंग नहीं मिल जाती है और समझ लो ना फसलें हो पावे, नाला जो है ऐसे हमेशा भर जाते हैं। नहीं क्या सफाई यहाँ नहीं होती? यहाँ नहीं होती सफाई, दिखाई पुल के आसपास दिखा देते बस खाली। जैसा कैलाश जी बता रहे थे कि केवल पुल के आसपास पुलिया के आसपास सफाई दिखा दी जाती है, जबकि यहाँ ये नाला ऐसा ही जाम रहता है जिसकी वजह से फसलें चौपट हुआ करती हैं। हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग किसान चौधरी जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरह से ये रूबरू कराएंगे यहाँ की हकीकत से कि किस तरह से फसलें यहाँ चौपट होती हैं और नाले की सफाई सांकेतिक रूप से होती है जिसके कारण ये फसल बो भी नहीं पाते और अगर बो दिए तो जैसे ही बरसात होती है तो पूरे नाला का पानी उन्हीं फसल पर भर जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। बात करेंगे हम यहाँ के बुजुर्ग किसान चौधरी जी से। चौधरी जी बताएं। हाँ, अरे साहब देखो राहुल पुल के सब साफ़ हो जाते मगर यहाँ पर बीच में रख दे सब भर जा, जितनी फसल हो सब बर्बाद हो जाती और जब पानी ही ना निकलती है सब जहाँ पानी चढ़ तहाँ सब फसल बेकार चली जाती, सब पैसा बर्बाद, पांच खाद हर चीज। हियाँ कोई नहीं आवत देखा है। किसी से शिकायत किया कभी? अरे साहब अब हियाँ जब मालूम हुआ तो करेगी कि इसका, जब किसी को मालूम नहीं तो कैसा कह दे। ये बेचारे भोले भाले किसान जो यहाँ की जमीन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं वह नहर विभाग की लापरवाही के चलते इनकी रोजी रोटी छिन जाती है और ये अपनी किसानी नहीं कर पाते हैं। इनका कहना है कि जहाँ जहाँ दूर साफ क्षेत्र है वहाँ तो सफाई दिखा देते हैं लेकिन जहाँ हकीकत में सफाई करनी चाहिए, जहाँ नाला जाम होने से फसलें चौपट होती हैं वहाँ सफाई नहीं की जाती है जिससे हर बार बीज और जुताई का नुकसान होता है और फसल भी नहीं मिल पाती है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, क्या ये नाला ऐसे ही जाम बना रहता है? हाँ इसी तरीके से रहता है, ये पानी भर जाता है, ये सब देखो खेत में पानी भरा है, सब फसल नहीं हो पाती। तो इसकी सफाई नहीं हो रही? इसी तरीके से होती है, पुल के यहाँ दिखा देते हैं इधर बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि पुल के आसपास तो सफाई सांकेतिक रूप से दिखा दी जाती है लेकिन बीच में नाला जाम बना रहता है जिसकी वजह से फसलें चौपट हो जाती हैं, पानी उफना के भर जाता है और खेती योग्य जमीन पूरी नष्ट हो जाती है, फसल नहीं हो पाती। पीयूष पांडे के साथ पंकज शुक्ला, लखनऊ।